जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैन्यू लाडलू लाडलू, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली जो भी बच्चे एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया 2021 का, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है डॉक्यूमेंट्स। लाडलू, सबसे ज़्यादा जो आपके अब सामने समस्या आएगी या सबसे ज़्यादा जो भर्ती से बाहर होंगे वो इसी में होंगे। मैं आपको बता दूँ कि जितने लोग फिजिकल में बाहर नहीं होंगे उनसे ज़्यादा लोग भर्ती से बाहर हो जाएंगे। किसके कारण? बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी अपने कागजातों के कारण। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अभी भी डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम। आपको बता दूं, आपको लगता होगा कि एसएससी जीडी के जो पेपर के लिए जो एडमिट कार्ड आए उसमें जिनको रिजेक्ट करना था कर दिया। नहीं जी, अभी जब फिजिकल आपका टेस्ट होगा उसमें भी बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट्स में बाहर होंगे और जिनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्यों उठाना पड़ेगा मैं बताता हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अभी से तैयार कर लेना, नहीं तो आपके आगे जाके समस्या हो जाएगी। क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत समय मिलेगा, नहीं बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। 15 दिसंबर को एग्जाम खत्म होंगे और जनवरी फरवरी से आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ आपके पास में होने चाहिए, अगर उनमें कमियाँ तो सुधार कर लीजिए। वैसे मैं बताऊँ, इस बार भर्ती में आपकी एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें उन्होंने कहा था कि फॉरम की अप्लाई की लास्ट डेट जो 31 तारीख थी उससे पहले पहले आपको जाति, मूल यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ये बनाना अनिवार्य है। ठीक है, जाति हो गया, मूल निवास आपका हो गया, या आप जिस कैटेगरी के हो, मान लो ओबीसी एससी एसटी जो, या मूल निवास हो गया, ये सब आपको 31 तारीख से पहले पहले बनवाना अनिवार्य है। या आप ईडब्ल्यूएस है, मान लो ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से तो ओबीसी का, अगर आप एससी से तो एससी का, अगर आप एसटी के एसटी के। और ये किसके होने चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि सर हमारे पहले के हैं, अगर आपका पुराना है उसको अगर अपडेट के लिए आपने इससे पहले दे दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर अपडेट के लिए दे भी नहीं भी दिया है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने इस डेट तक अपने ये सर्टिफिकेट नहीं बनाए अब उनको क्या करना होगा? देखिए लाडलू, आपको हो सकता है कि आगे जाके परेशानी आए, क्योंकि एसएससी ने साफ लिखा था नोटिफिकेशन में कि 31 तारीख से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स बनने चाहिए। नहीं तो ऐसा नोटिफिकेशन उन्होंने अब तक आज तक नहीं लिखा, अब लिखा तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई लॉजिक है लाडलू। अब होने कौन कौन से चाहिए पहले मैं बताता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में बाहर कौन कौन होंगे। देखिए, जिन्होंने 10th क्लास की मार्कशीट के रोल नंबर गलत लिख दिए वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 100% फंसेंगे। जिनकी आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ यानी DOB सही नहीं है वो फंसेंगे। जिनके फादर नेम और मदर नेम में प्रॉब्लम है वो फंसेंगे, या खुद के नेम में प्रॉब्लम है उनको होगी लाड़ दो प्रॉब्लम। जिनका मूल निवास नहीं बना है और साथ में जिनका जाति प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट नहीं बना है, इन सबको बहुत ही बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा लाड़। ठीक है, अब देख लीजिए कि अब बोलेंगे गुरुजी अगर हमने नहीं बनाया अब हमारा बताइए उपाय क्या। देखो बेटा, आपको पता है कि आप 31 तारीख तक नहीं बनवा पाए तो उसके पीछे आपको रीजन दिखाना पड़ेगा, एफिडेविट। तो ये अगर भर्ती में अगर साफ साफ बताया जाएगा, फिजिकल के साथ में अगर किसी बच्चे के साथ होगा तो उस समय मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से वहां पर एफिडेविट लिखना है और किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखना है, उस समय जानकारी दूंगा इसके बारे में। अगर मान लो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर इसकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं आपको 100% जानकारी दूंगा। उसी चीज को फॉलो करके वहां पे एक एफिडेविट बना के लगा देना ताकि आपका काम बन जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि एसएससी की तरफ से पहले ही अपडेट आई थी कि आपके ये जाति डॉक्यूमेंट्स, मूल निवास, ईडब्ल्यूएस, चाहे ओबीसी है, चाहे एससी है, एसटी है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जिनके जैसे एसटी कैटेगरी के कहीं कहीं स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं बनते तो वहां पर जरूरी नहीं है, जहां बनते हैं वहां पर जैसे ओबीसी का बनता है, ईडब्ल्यूएस का बनता है, मूल निवास आपका राज्य का बनता है, सेंटर का नहीं बनता, ध्यान रखना, क्योंकि मूल निवास होता है डिस्ट्रिक्ट का। अब और किन को प्रॉब्लम होगी तो बाहर होंगे जिन्होंने मूल निवास, जैसे मान लो कि कोई नक्सल एरिया से बिलोंग करता है, ठीक है, और उसने बॉर्डर एरिया का भर दिया यानी जिला गलत भर दिया उनको। सबसे पहले मैं बताऊं प्रॉब्लम किस चीज को होगी, देखो जिनको बाहर होना पड़ सकता है भर्ती से, रोल नंबर जिसने गलत भरे हैं, रोल नंबर जिसने गलत भरे हैं 10th क्लास की मार्कशीट में, ध्यान रखना, जिसने 10th क्लास की मार्कशीट में रोल नंबर गलत भरे हैं उसको 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा फिजिकल के समय। दूसरा देखिए, 10th क्लास की मार्कशीट में आपकी DOB गलत हुई, यानी आपने जो लिखी है फॉरम में वो 10th क्लास की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हुई तो 100% आपको भर्ती से बाहर कर देंगे। आपके नेम में या आपके फादर नेम में
या मदर नेम में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसे सुधार लेना बेटा। इसमें हो सकता है कि भर्ती से बाहर तो नहीं गिरे लेकिन तकलीफ आपको बहुत उठानी पड़ सकती है। सीधा सा, अगर आपने मूल निवास यानी जिला गलत भर दिया है, जिला गलत भर दिया, जैसे कि मान के चलिए कि आपके पास में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो एक जनरल डिस्ट्रिक्ट का है और आपने गलती से जो जिला भरा है वो अगर नक्सल में आ गया या वो जिला बॉर्डर में आ गया तो 100% उस बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, आपसे एक एफिडेविट भराया जाएगा, आपसे एक एफिडेविट भराया जाएगा इसके लिए कि आप ऐसा ऐसा है, आप वहां पर एफिडेविट भरोगे कि भाई मेरी गलती से हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछली बार SSC GD 2018, आपको नहीं पता होगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि SSC GD 2018 में फाइनल मेरिट जिन बच्चों ने एफिडेविट लगाए थे भी घर पे रिजेक्शन लेटर भेज दिया था और वो आज बच्चे घर पर ही बैठे हैं। अगर उनमें से कोई बच्चा है तो कमेंट में जरूर बता देगा, वो घर पर ही बैठे हैं, फिर आंसू चलते हैं यहाँ से यहाँ तक, उसका कोई इलाज नहीं है। SSC GD फाइनल मेरिट तक भी रिजेक्शन लेटर भेजती है, यहाँ तक ही मेरिट आने के बाद भी रिजल्ट रोक देती है और बोलती है कि आपके ये कमी पाई गई है, इसको अच्छे से जाँच किया जाएगा। जैसे पिछली बार 133 छात्रों की विथ हेल्ड की लिस्ट निकाली थी, विथ हेल्ड का मतलब कि उनका अभी तक और अभी तक भी उनका रोक रखा है, अभी भी उसका निष्कर्ष नहीं निकला। क्यों? इनके फिंगरप्रिंट मिसमैच हुए थे। क्या हुए थे? फिंगरप्रिंट मिसमैच हुए थे जिसके कारण इसका विथ फेल्ड में रोक रखा है या डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम के कारण। तो अगर ये आपके भी अगर प्रॉब्लम है तो आपको भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और फिजिकल के समय आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। लाड़ लो ध्यान रखना, अगर आपने 10th क्लास की मार्कशीट के एनरोल नंबर गलत भर दिए हैं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी है, दुनिया आधार कार्ड में आप चेंज हो जाती है, चेंज करा लेना। नेम आपका है उसको सही करा लेना आधार कार्ड में। 10th क्लास की मार्कशीट आपका मूल आधार होगा। जैसे मैंने बोला SSC GD की पूरी भर्ती का अगर कोई मूल जड़ है तो वो है 10th क्लास की मार्कशीट, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बाकी डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब मूल निवास आपको मैंने बता दिया कि अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से आपने नक्सल या बॉर्डर भर दिया तो आपको समस्या 100% आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लास्ट में किया जाएगा, अभी किया जाए ना किया जाए, अभी आपसे एक एफिडेविट जरूर लिखाया जाएगा फिजिकल के समय, तो आप अच्छे से लिखना। उम्मीद करते हैं कि इस बार नहीं करे, पिछली बार रिजेक्ट कर दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए जब आप फिजिकल देने जाओ तब, उनके लिए ज़्यादा समय नहीं है। देखिए, सबसे पहले 10th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है, 10th पास की ओरिजिनल मार्कशीट आपकी होनी चाहिए जिसके आधार पे आपने फॉर्म भरा वो मार्कशीट। ठीक है, इसके अलावा आपका मूल निवास यानी डोमिसाइल जिनको बोलते हैं, वो रेसिडेंसी सर्टिफिकेट भी इसको बोलते हैं। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट में जैसे ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, SC का और ST का, जनरल का कुछ ये होता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी ID है, जैसे आधार कार्ड हो गया, ID प्रूफ के लिए जो भी आपका ID प्रूफ है वो ID प्रूफ होना चाहिए। 10th क्लास की मार्कशीट हो गई, मूल निवास हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST जो भी आपका कास्ट है, उस कास्ट का जो भी सर्टिफिकेट है वो, इसके अलावा आपकी खुद की जो भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी आईडी है, और वो बिल्कुल सही होनी चाहिए लाड़ दो। इसके अलावा जो आपकी जो एडमिट कार्ड में जो आपका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट की कॉपी, जो आप रिजल्ट आएगा ना परिणाम फिजिकल देने जाओगे तो उसकी कॉपी भी वहाँ पर आपको चाहिएगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए, ध्यान रखना। 10th क्लास मार्कशीट और हाँ, 12th क्लास की भी अगर आपने पास किया आप साथ में लेके जा सकते हो, लेकिन 12th का वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ले, क्योंकि 10th पास की वैकेंसी 12th का कोई लेना देना है नहीं, बाकी आपकी इच्छा तो आप साथ लेके जा सकते हो। लेकिन ये हाँ, अगर ये नहीं बने हैं तो वे ये कब के बने हुए होने चाहिए, 31 तारीख के फॉर्म भरे थे उस दिन से पहले के होने चाहिए, 31 तारीख लास्ट डेट थी फॉर्मों की, तो उससे पहले के ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब आपने नहीं बनाए हैं तो अभी भी बना लो, वक्त है। और पिछला पुराना चाहिए, आपने 2 साल पहले भी बनाया था या 4 साल पहले बनाया था या 3 साल पहले जब भी बनाया था, वो भी साथ में रखना। ठीक है, जितना भी पुराना हो वो साथ में रखना ताकि आपकी बात रह सके। ठीक है, नहीं तो फिर आपको आगे जाके समस्या आ सकती है। इसके अलावा जैसे 10th क्लास मार्कशीट होगी, मूल निवास, हाँ, चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे जब आप फिजिकल देने जाओगे उस समय।
ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स कब के बने होने चाहिए, वैसे तो 31 तारीख से पहले के बने होने चाहिए जो फॉर्म की लास्ट डेट थी उससे, लेकिन अगर आपने नहीं भी बनवाए हैं तो उससे पहले कोई पुराना बन रखा था उसको साथ में लेके जाना। फोटो वोटो जो चाहिए वो तो चाहिए चाहिए, उनको 100% साथ में लेके जाना। लाडलू पुराने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल साथ में लेके जाना, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, ध्यान रखना ठीक है। तो फिर अगर ऐसे ये ओरिजिनल होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको कुछ इसमें और कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं देख के उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा भाई। जय हिंद जय भारत, लाड लो।